नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इडियो इरा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो द्रव्यमान संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके कुछ एग्जांपल करेंगे जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हम लोग आज द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं इसमें ले रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 92 यूरेनियम 235, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ जो संख्या होती है वो हमेशा कहलाती है द्रव्यमान संख्या, और नीचे की तरफ जो संख्या होती है वो हमेशा होता है उसका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या। अब देखिए, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर उदासीन परमाणु, ठीक है, उदासीन आपको एलिमेंट दिया हुआ है, तो उसके लिए प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो हमेशा बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या की, ठीक है। उदासीन का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही तो उसके ऊपर धनायन होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर होना चाहिए ऋणायन। अब देखिए, अपने लोग यूरेनियम का पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दिया है कि 92 यूरेनियम 235 में अपने लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ नीचे वाला जो होता है वो प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन की संख्या को। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या इसको देखते ही अपने लोग कितनी बता सकते हैं कि भाई इसमें प्रोटॉन की संख्या है 92। अब देखिए, जो यूरेनियम है वो उदासीन है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। इस वजह से हम लोग जानते ही है कि अगर हमारे पास कोई उदासीन एलिमेंट है तो इसके लिए प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो एग्जैक्टली बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इस वजह से इस यूरेनियम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 92, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला अपने लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से जब आप माइनस करते हो प्रोटॉन की संख्या को तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली चीज़ होती है, तो कितना है द्रव्यमान संख्या, 235 है, और जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई, 92 है। तो देखिए, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 143, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, 143 हो गई। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसी टाइप से अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्ज़ाम्पल नंबर अपने लोग कर रहे हैं 2, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में मैंने ले लिया 11 सोडियम 23, ठीक है। ये है कि इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें आप बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ 11 सोडियम 23, हम लोग जानते हैं ऊपर वाली संख्या हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके परमाणु क्रमांक को या फिर उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, उदासीन है सोडियम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे पहली बात तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 11।
उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी इसमें, 11। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की, तो न्यूट्रॉन की संख्या का अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, जब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 12। यानी सोडियम में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसी प्रकार हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा 30 जिंक और 64, ठीक है ये पढ़ा। अब इसमें सेम चीज़ पूछी है कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है कि ये संख्याएं कितनी कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले जिंक जो है उदासीन है, आपको दिख रहा है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उदासीन के लिए क्या होता है भाई, प्रोटॉन की संख्या एग्जैक्टली इक्वल टू किसकी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या के। ओके, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 30, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ठीक है प्रोटॉन की संख्या कितनी है 30 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 30। यानी जिंक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी 30 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 30 होती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, सेम वही चीज़, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से जब प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 34। इसका मतलब क्या होता है कि जो जिंक है उसमें उपस्थित हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए इसी टाइप से अपने लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर सॉरी 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने लोग देख सकते हैं कि मान लो मैंने लिया है 17 क्लोरीन 35, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम वही चीज़ आपको बतानी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है। अब देखिए 17 क्लोरीन 35, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ द्रव्यमान संख्या है और जो नीचे वाली चीज़ है वो प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी अपने लोगों के पास, 17 आ जाएगी। अब उदासीन है भाई, तो उदासीन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके लिए हो जाएगी अपने लोगों की 17। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या यानी 35 माइनस प्रोटॉन की संख्या यानी 17। यानी द्रव्यमान संख्या अपने लोगों के पास कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलिएगा, हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट में भी अगर परमाणु क्रमांक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पहले के वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उनमें से देख के आसानी से उन वीडियो को पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।